आपका स्वागत है। आज हम लोग उस त्रिमूर्ति भवन की कहानी और उससे नेहरू के जुड़ाव की कहानी और आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है त्रिमूर्ति को लेके, उस प्रसंग में नेहरू से उसके रिश्ते का जिक्र करेंगे। और ये कहानी दिलचस्प इसलिए भी है कि त्रिमूर्ति एक सिंबॉलिक जगह बन के रह गया है और उसका नाम बना वो जिसके लिए हो, आज उसका जो भी इस्तेमाल हो रहा हो, वो नेहरू के साथ ही जुड़ा हुआ माना जा रहा है। आज सरकार ने ये फैसला किया है कि उसको सारे प्रधानमंत्रियों का स्मारक बनाया जाएगा और उसका काम शुरू हो गया है और काफ़ी सारे बदलाव वहाँ हो रहे हैं। बदलाव इस दौर में भी हुए जब नेहरू की मौत हुई और उनको उस जगह को उनका स्मारक बनाने का फैसला सरकार ने किया। ये काम 66 से चल रहा था तो बदलाव तो लगातार हुए हैं, लेकिन अब जो बदलाव हो रहे हैं उसमें एक कोशिश ये काफ़ी लोग मान रहे हैं कि वो नेहरू को कहीं छोटा करने का या नेहरू के समकक्ष दूसरे को खड़ा करने की कोशिश है। त्रिमूर्ति भवन असल में जब बना था तो सेना प्रमुख के लिए बना था, तीनों सेना का प्रमुख तब एक ही होता था, कमांडर इन चीफ, और उसके लिए बना था। और इसकी दूरी राष्ट्रपति भवन से उतनी है जितनी दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल की है जो आज लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। और इस बिल्डिंग पे काफ़ी दिनों से बड़े लोगों की नज़र रही है, उस दौर में भी जब नेहरू यहाँ आए थे, और नेहरू ने भी इसको बहुत सामान्य ढंग से नहीं, वो बड़ी तैयारी से और एक तरह की हड़बड़ी में उसको अपना घर बनाया था। इस कैंपस के अंदर एक पुराना किला है, एक पुराना स्ट्रक्चर है जो तुगलक के समय का है, वो भी दिलचस्प है कि उसको संभाल के आज तक रखा गया है। और जब कमांडर इन चीफ थे तब भी काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ हैं, मोर हैं वहाँ बहुत, अभी भी आज की तारीख में भी वहाँ मोर है। वहाँ गुलाब की खेती अभी भी काफ़ी बड़े पैमाने पे होती है, काफ़ी बड़े क्यारियाँ हैं वहाँ गुलाब की। और ये माना जाता है कि नेहरू जब निकलते थे तो कोई एक गुलाब उसमें से तोड़ के अपने कोट में लगा लेते थे, वो आज तक नेहरू के पर्सनालिटी का हिस्सा माना जाता है कि ये गुलाब उनके साथ लगा हो, गुलाब की कली है उनके साथ लगी हो। ये आर्मी चीफ का मकान था और इसमें उसकी तैयारियां थी काफ़ी, और वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, अभी भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं, तोप लगा हुआ है बजाबता हुआ। लेकिन नेहरू यहाँ अचानक नहीं आए, असल में ये जो माउंटबेटन आए, मियां बीवी दोनों, ये राज परिवार के तो थे ही, राज परिवार से उनका रिश्ता था, ये काफ़ी सक्रिय लोग थे और पब्लिक लाइफ इनका काफ़ी था, खास तौर से उनकी पत्नी एडविना का। थोड़े ही समय में उन्होंने दिल्ली के सब जगह पे अपना कब्जा कर लिया, गांधी पे कब, गांधी से बल्कि एडविना की ये लड़ाई, और नेहरू से उनके रिश्तों का जिक्र तो काफ़ी होता है, लेकिन गांधी से भी एडविना का काफ़ी अच्छा संबंध था और एडविना मानती थी कि वो गांधी से वो सब काम करा सकती हैं जो वो चाहती हैं, और गांधी उनको ऐसा ही स्नेह देते थे। बल्कि ये भी प्रसंग है कि पहला एयर कंडीशनर लगा था राष्ट्रपति भवन में और गांधी जब वहाँ गए तो वो कांपने लगे एसी में बैठने के बाद, क्योंकि उनको उसकी आदत नहीं थी इस मशीन की, तो एडविना ने अपना शॉल उड़ाया उनको। ये दोनों लोग अपनी सक्रियता कई तरह से रखे हुए थे, उसमें ये भी था कि जो विभाजन के समय रिफ्यूजी आए उनको लेके इन्होंने काफ़ी काम किया, खासतौर से एडविना ने। तो जब वायसराय की जगह गवर्नर जनरल बनाने की बात आई, जब मुल्क आज़ाद हुआ और उनको गवर्नर जनरल बनाने की बात आई, तो माउंटबेटन ने ये कहा कि ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, तब वायसराय लीगल लॉज कहा जाता था, वो काफ़ी बड़ा है और भारत जैसे गरीब मुल्क के अपने प्रधान आदमी को इसमें रहना शोभा नहीं देता। ये बस बाद में हम बार बार राष्ट्रपति भवन को लेके अभी हाल तक सुनते थे, अब बहस वो खत्म हो गई है, नहीं तो ये राजन बाबू से लेके बाकी सब लोगों ने बार बार कहा कि इस बिल्डिंग को छोड़ा जाए, क्योंकि ये पुराने इसकी का प्रतीक तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो शानो शौकत है और जितने यहाँ कमरे हैं, जितनी बड़ी बिल्डिंग है, वो मुल्क के हिसाब से मेल नहीं खाता। तो पहली बार ये माउंटबेटन ने ही कहा, और उन्होंने ही कहा कि मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ त्रिमूर्ति भवन में। त्रिमूर्ति भवन के ठीक सामने चौराहे पे तीन मूर्तियाँ लगी हैं जो मिलिट्री के लोग हैं, और ये युद्ध में मारे गए हमारे सैनिकों के का स्मारक है, तो उसी से ये बिल्डिंग को नाम मिला है।
और आज भी ये चल रहा है। नेहरू उसमें कैसे रहे, कैसे रहते रहे, ये वहाँ एक अच्छी प्रदर्शनी अभी भी है, उनका कमरा है, किताबों को देख के काफ़ी ये लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा होगा और इतना पढ़ता लिखता होगा, ये जल्दी भरोसा नहीं होता। लेकिन और डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नेहरू जितने दिन वहाँ रहे वो हाउस बहुत ही जीवंत बना रहा। कभी अगर दिल्ली में कोई बड़ा ऐसा आया तो नेहरू उसको पकड़ के ले जाके अपने घर कविताएं सुनते थे, कोई गाने वाला आया, अलग अलग फील्ड के लोग आते थे तो शाम को महफिल वहाँ जमना, नेहरू को इतनी फुर्सत होती थी और वो इस तरह से लोगों को ले जाके वहाँ रखते थे। उनके रहने के भी अपने किस्से हैं कि एसी वहाँ उनके सोने के कमरे में नहीं लगा था, एसी वहाँ मेहमानों वाले कमरे में एक लगा हुआ था, सोने वाले कमरे में उनका पंखा ही चलता था। बल्कि वो जिस जगह बैठ के पढ़ते थे उसके भी किस्से हैं कि वो पंखा खड़ खड़ करता रहता था, किसी बार एक बार इंदिरा जी ने बदलवा दिया वो पंखा तो शाम को आके डांट रहे थे और शायद पुराना पंखा फिर वापस लगाया। नेहरू खर्च में भी शाही थे और ये माना जाता था कि जो भी कोई उनके सामने आए और उनको किसी किस्म की तकलीफ ये महसूस करे तो उसको अपना पैसा दे देना और इस चक्कर में पूरी तनख्वाह दे देना, कई बार अपने ऊपर हुए खर्चों, अपने रिश्तेदारों के खर्चों की भरपाई उन्होंने की, ये सब किस्से अपनी जगह हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और वो नेहरू की इमेज कोई आज हमारे बनाने से या किसी बिगाड़ने से बनने बिगड़ने वाली नहीं है। लेकिन तीनमूर्ति से उनके रिश्ते का जिक्र दो छोटे छोटे प्रसंग करके मैं ख़त्म करूँगा कि तीनमूर्ति में जब वो रहे तो तीनमूर्ति जीवंत रहा और लोग, बल्कि प्रदर्शन के किस्से हैं कि मेरठ में जमीन का अधिग्रहण हुआ तो तीनमूर्ति की घेराबंदी हुई थी। आज के तारीख में कोई सोच नहीं सकता कि प्रधानमंत्री निवास को किसान आके घेर लेंगे और घेर ही नहीं लेंगे, उसमें इतना पखाना पेशाब की बदबू चारों ओर वो लोग थे। तो नेहरू उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये हटाओ, ये सब तो बहुत ही है और बढ़िया कंपनसेशन दे के इनको किसी तरह से राजी करो कि ये सब मसला नहीं रहना चाहिए अब हमारे साथ। तो नेहरू इस तरह के थे। दो छोटे प्रकरण जो मैंने खुद से सुने हैं और सुनाने वाले वही लोग थे जो नेहरू से जुड़े रहे हैं, उसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। एक प्रकरण तो ये है कि उसके ठीक सामने आज जहाँ तारामंडल बना हुआ है उसके पास एक छोटी दुकान होती थी सिगरेट वगैरह की। वो दुकान भी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे तब उस जमाने से आखिर तक बनी रही, ये भी एक अपनी जगह है। उसमें जो सज्जन रहते थे वो सुल्तानपुर के थे, पान सिगरेट इन सब की दुकान थी। उनका कहना था कि किसी रात नेहरू वहाँ खाना खा के और टहलते टहलते आ गए और आए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी एक सिगरेट दो। तो उन्होंने एक सिगरेट, नेहरू सिगरेट पीते थे, गांधी के सामने नहीं पीते थे, वो गांधी से ये परहेज करते थे, मुल्क के सामने भी नहीं पीते थे। नेहरू की सिगरेट पीने वाली तस्वीर मेरे ख्याल एक ही है, वो भी किसी बड़े मित्र जैसे फोटोग्राफर ने लिया, अदरवाइज वो इससे भी परहेज करते थे कि सिगरेट पीने की तस्वीर पब्लिक हो। उन्होंने वो सिगरेट लिया और जब सिगरेट सुलगा लिया तब उनको ध्यान आया कि इसका पेमेंट करना है, तो जेब टटोली तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप बस मैं जाता हूँ अंदर और किसी से भिजवा देता हूँ। तो उसने कहा आप आ गए हमारी दुकान पर और आपने हमारे यहाँ सिगरेट पिया, यही बहुत है, अब सिगरेट के पैसे भेज के आप हमको शर्मिंदा मत करिए, मेरे लिए ये बड़ा एक अवसर है कि आप आए और आपने हमारे यहाँ सिगरेट पी। दूसरा प्रकरण उससे ज़्यादा है जो तीनमूर्ति से उनके प्रेम को बताता है, और ये प्रकरण है कि गांधी के पैसे का खर्चा और टैक्स वगैरह का हिसाब किताब तब टीएन सेशन देखते थे जो जूनियर आईएएस अफसर थे वहाँ उस हाउस में। तो नेहरू ने जब अपना टैक्स रिटर्न देखा तो उसमें देखा कि इसमें कुछ टैक्स के रिबेट क्लेम किए हुए हैं और ये रिबेट वो थे जो लेखकों को मिलते हैं। नेहरू को रॉयल्टी बहुत ज़्यादा मिलती थी, उनकी किताबें तब बहुत पॉपुलर थी, बीच में कम हो गई थी, आजकल फिर सुनते हैं कि उनकी किताबों की मांग काफ़ी हो गई है तो हो सकता है कि रॉयल्टी फिर जा रही हो काफ़ी बड़ी उस परिवार को, लेकिन तब उनको रॉयल्टी बहुत ज़्यादा मिलती थी और प्रधानमंत्री के रूप में जो उनको तनख्वाह मिलती थी वो उसकी तुलना में काफ़ी कम थी। तो रॉयल्टी के साथ वो डिक्लेरेशन देने में ये है कि लेखकों को कई किस्म के स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं, कागज कलम टाइपिंग का, असिस्टेंट रखने का, इन सब का, तो सेशन ने वो भी क्लेम किया था। तो नेहरू ने पूछा कि ये तो तुमने कैसे क्लेम कर लिया, क्योंकि हम तो किसी को असिस्टेंट रखे हुए नहीं हैं, कोई कागज हम इस्तेमाल नहीं करते अपना, ना कोई कलम इस्तेमाल करते हैं, लिखने पढ़ने में जो भी खर्चा होता है वो तो सरकारी खर्चा है,
वो तो पब्लिक का ही खर्चा है, तो तुम ये क्लेम क्यों कर रहे हो? तो सेशन ने कहा, सर आपकी बात ठीक है, लेकिन ये मिलता ही मिलता है लेखकों को, और सिर्फ आपके लिए इस कानून को नहीं बदला जा सकता कि एक लेखक आप ऐसे हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन बाकी सारे लेखकों को इसकी जरूरत पड़ती है। तो बेहतर यही है कि इस कानून को रहने दिया जाए, इस कानून को खत्म करने का कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो नेहरू ने कहा, लेकिन ये पैसा तो हम लोग बेकार लेंगे, ये तो हमारा हक नहीं है, तो इसका कोई हिसाब तुम करो। तो ये हिसाब उन्होंने किया कि जो भी पैसा स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे निकलता था, आता था, उसको उन्होंने एक छोटी कमेटी बना के और त्रिमूर्ति भवन के जितने कर्मचारी थे उनके बच्चों का किताब, कॉपी, जूते, स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, इस पे जो खर्चा होता था ये उस पैसे से जाता था। और ये व्यवस्था नेहरू के मौत के काफ़ी बरस बाद तक थी। मुझे अब नहीं मालूम कि अब क्या होता है, लेकिन ये व्यवस्था चली। तो नेहरू ऐसे थे, और इतना ही प्रेम उनको अपने लोगों से था, अपने उस जगह से था। आज उस जगह के दावेदार निश्चित रूप से मुल्क में कोई मरने के इतने समय बाद तक सबका कोई इंतजार नहीं करता, लेकिन उसके कामों का, उसके प्रेम का, उसकी उपलब्धियों का और उस जगह से उसके प्रेम का आदर करना हमको आना चाहिए। त्रिमूर्ति से नेहरू का रिश्ता ऐसा ही था, और ये रिश्ता सारे प्रधानमंत्री से जुड़े स्मारक स्मृति की चिन्ह चीज़ें आ जाएं, मुझे लगता है तब भी नेहरू ही ऊपर रहेंगे, क्योंकि नेहरू मुल्क के प्रधानमंत्रियों में शायद सबसे ऊपर बैठने वाले हैं, और त्रिमूर्ति से उनका जो रिश्ता रहा है वो किसी का नहीं रहा। इंदिरा जी का जरूर रहा, क्योंकि इंदिरा जी उस घर में रही हैं, उनकी बेटी होकर रही, और बाद में उसको डेवलप कराने में भी इंदिरा जी की अपनी भूमिका थी। तो अगर किसी का त्रिमूर्ति से कोई रिश्ता बनेगा या त्रिमूर्ति से उसकी ख्याति जुड़ेगी तो वो नेहरू ही होंगे, और नेहरू के बाद इंदिरा ही होंगी। उसमें कोई चाहे कि दूसरे लोग जुड़ जाएं या हिस्सेदारी करने लगें तो दूसरे लोग मेरे ख्याल से तो बौने ही लगेंगे, और इस तरह की कोशिश अगर हो रही है तो ये कोशिश नुकसानदेह ही है। इसमें नेहरू की पर्सनैलिटी छोटी नहीं होगी, बड़ी ही होकर उभरेगी। आज की कहानी इतनी, अगली बार फिर हम एक नई कहानी के साथ आएंगे।